वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 11 का पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम जिसमें हमें पढ़ना है द C4 पाथवे। ठीक है, C4 पाथवे के बारे में पढ़ना है। C3 पाथवे इससे पहले हमने पढ़ा था, जिसमें हमने केल्विन साइकिल पढ़ा था। ठीक है, केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड C3 पाथवे। और केल्विन साइकिल का मेन मतलब क्यों होता है प्लांट के अंदर, ये क्यों होता है प्लांट के अंदर, ये एक बार आप कमेंट करके बताना, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है यार, ये होता क्यों है। ठीक है, चलो तो अभी हमें पढ़ना है C4 पाथवे के बारे में। ठीक है, तो प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। तो जो प्लांट वैसे एरिया में रहते हैं ना, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, जहां पे पानी की कमी रहती है, वहां पे उन प्लांट में क्या होता है, C4 पाथवे होता है। दो दीज प्लांट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो दीज प्लांट हैव द C4 ऑक्सलो एसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दे यूज द C3 पाथवे और द केल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। देखो अब एक पॉइंट समझना, ये C3 प्लांट है, ये C4 प्लांट है। ठीक है, C3 प्लांट के अंदर ऑब्वियसली C3 साइकिल तो हो गई, C3 पाथवे तो हो गई। C4 प्लांट के अंदर भी क्या होगा, C3 पाथवे होगा। मतलब आप ये समझो, बात समझो, C3 पाथवे क्या है, C3 पाथवे इज कॉल्ड केल्विन साइकिल, है ना। और केल्विन साइकिल में क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज तो दोनों प्लांट में बनना जरूरी है ना, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। तो इससे मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो, उनमें केल्विन साइकिल होगा ही होगा। मतलब उनमें C3 पाथवे होगा ही होगा। C3 प्लांट में तो होगा ही C3 पाथवे, और C4 प्लांट में भी C3 पाथवे होगा टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए तो ये होना ही चाहिए। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा है। तो और क्या पॉइंट लिखा है यहां पे, C4 जो प्लांट्स होते हैं उसमें जब फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C4 ऑक्सलिक एसिड, मतलब OAA। बात समझना, ये C4 प्लांट है, इसमें CO2 गई, CO2 को फिक्सेशन हुआ, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, 4-कार्बन कंपाउंड वाला बनता है, इसीलिए इसको C4 पाथवे बोलते हैं, है ना। और वो कंपाउंड क्या है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन है। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3, तो C3 प्लांट C4 प्लांट से अलग कैसे है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। तो इसका हम आंसर यहां पे नीचे देखेंगे। तो C4 प्लांट पहले तो बड़े स्पेशल होते हैं, ठीक है, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। C4 प्लांट में क्या होता है, लीफ एनाटॉमी जो होती है वो काफी स्पेशल होती है। मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर होता है लीफ के अंदर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा अलग होता है। जैसे पहले तो यहां पे क्या पॉइंट है, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं ना ये बेसिकली, तो दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी में ये रिस्पॉन्स शो करेंगे। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, जो मतलब इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन जो होती है वो एड होती है रिएक्शन में, और प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रूबिस्को यूज होता है। रूबिस्को पढ़ा था हमने, राइबलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती है, जब CO2 एडिशन होता है, और ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहां पे इस प्लांट में, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए क्या चाहिए, प्लांट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। CO2 का अमाउंट, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा और CO2 का अमाउंट कम होगा प्लांट में, तभी फोटो रेस्पिरेशन होगा। बट लेकिन ये जो प्लांट होते हैं C4 प्लांट्स, ये अपने अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ा के रखते हैं। कैसे बढ़ा के रखते हैं हम देखेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, CO2 ऐड होगी बल्कि। एंड हैव ग्रेट प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और इनमें बायोमास भी बहुत ज्यादा बनता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट जो हैं। तो स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए लीफ, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड अदर ऑफ C4 प्लांट। हमने क्या किया, C4 C3 प्लांट की लीफ लिया, उन्हें कट करके देखा।
तो डू यू नोटिस द डिफरेंस? यस, डिफरेंस हमें दिखा है, क्या दिखेगा वो अभी हम देखेंगे. डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मीजोफिल्स? क्या इनमें मीजोफिल्स सेम टाइम के होते हैं? नहीं होते हैं. डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल शीट? नहीं. वेस्कुलर बंडल शीट के अराउंड इनमें क्या सिमिलर सेल्स होते हैं? नहीं होते हैं. ये अभी हम देखेंगे सब चीजों को, ठीक है. द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स एंड द लीफ विच हैव सच एनाटॉमी आर सेड टू हैव क्रेन्स एनाटॉमी. क्रेन्स मीन्स होता है वृत्त, ठीक है, एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. अब बात समझो, C3 और C4 प्लांट है, ठीक है. C3 प्लांट का लीफ लिया, C4 प्लांट का लीफ लिया, कट करके देखा, उसके अंदर मैंने इंटरनली देखना शुरू किया, तो मुझे क्या दिखा कि C4 प्लांट के अंदर ना एक अलग टाइप का क्या होता है, यहां पे अरेंजमेंट है, सेल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है. मतलब जो बंडल शीट सेल्स हैं वो एक स्पेशल तरीके से क्या है, यहां पे अरेंज है, यहां पे, जिसको एक नाम दिया क्रेन्स एनाटॉमी. ये आपको C4 प्लांट में मिलेगा, C3 प्लांट में नहीं मिलेगा. तो ये डिफरेंस है. अब देखो क्या कैसे दिखता है ये. तो लीफ में ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, ठीक है. अब उसके अंदर अगर आप देखो तो ये मीजोफिल सेल दिखेंगे आपको. मीजोफिल सेल्स देखो ये ऐसे, नहीं पहले अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं. सबसे अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल है. वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाहर क्या है, ये वाले सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये बंडल सीट सेल्स हो गए, ठीक है. बंडल सीट सेल्स के बाहर क्या हो गए, मीजोफिल सेल्स हो गए. मीजोफिल्स कैसे अरेंज है, ऐसे चारों तरफ है, गोल उसमें अरेंज है, ठीक है. तो ये जिस तरीके से अरेंज है इसको बोलते हैं क्रेन्स, ठीक है. ये जो अरेंजमेंट है ऐसे गोल सा अरेंजमेंट, इसे क्रेन्स बोलते हैं. क्रेन्स मतलब वृत्त. वृत्त मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी को श्रद्धांजलि देनी है, तो श्रद्धांजलि जब देते हैं तो क्या होता है, फूलों का वो लेके आते हैं ना ऐसे करके, फूलों की ऐसे करके वो होती है, जिसको ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ाते हैं, उनकी फोटो पे चढ़ा देते हैं, ठीक है. तो वो होता है बेसिकली, उसको वृत्त बोलते हैं. तो उसी अरेंजमेंट में, उसी डिजाइन में ये अरेंज है, तो इसीलिए इसको क्रेन्स बोला जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे. और ये यहां पे मुझे बताता है कि इस तरीके से सेल्स जो है वो अरेंज है. तो क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं इसको. क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो आपको किसमें मिलेगी, C4 प्लांट में मिलेगी, C3 प्लांट में नहीं मिलेगी. तो ये डिफरेंस हो गया यहां पे पहला, ठीक है. द बंडल शीट सेल्स मे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल. अब वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या होता है, बंडल शीट सेल्स जो होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या बनाते हैं, सेवरल लेयर्स बना देते हैं, बहुत सारी लेयर बना देते हैं. दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और इन बंडल शीट सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है. देखो इस लाइन को समझते हुए चलना. वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या है, बंडल शीट सेल्स हैं. बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो कई सारी लेयर्स में रेंज है, बहुत सारी लेयर्स हैं उसकी, ठीक है, सेवरल लेयर्स हैं उसकी, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है. और क्या है, थिक वॉल है जो कि इम्परेसिव टू गैसेस एक्सचेंज है, मतलब गैसेस अंदर आ गई तो वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना. एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, और दो सेल्स के बीच में स्पेस भी नहीं है. तो इन सब वजह से पता है क्या होता है, इन सब वजह से CO2 ट्रैप हो जाती है अंदर, ठीक है, CO2 अंदर ट्रैप हो जाती है. अब CO2 जब अंदर ट्रैप हो जाती है तो उस वजह से CO2 का अमाउंट हाई रहता है अंदर और ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहता है अंदर. तो इसी वजह से जब ऑक्सीजन कम है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. ये है ना यहाँ पे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन ही नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, है ना. ये हमने पढ़ा है ना रूबिस्को. रूबिस्को क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है. बट लेकिन ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन ज्यादा होगी. बट यहां पे तो आप देखो ऑक्सीजन तो कम है, ऑक्सीजन कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना. इसलिए यहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है. क्लियर, ठीक है. अच्छा सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं वीडियो को बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते. और प्लीज कमेंट भी करना है, उससे एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है. तो आगे पढ़ते हैं. यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ अ लीफ ऑफ C4 प्लांट. हमने मेज या सॉर्गम लिया टू ऑब्जर्व द क्रेन्स एनाटॉमी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीजोफिल सेल्स. तो मीजोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे डायग्राम से देख लिया कि मुझे ऐसा दिखता है, ठीक है. अब इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट अराउंड यू. अपने आसपास देखो, प्लांट से लीफ लेके आओ, उसको वर्टिकल सेक्शन कट करो लीफ का और ऑब्जर्व करो अंडर द माइक्रोस्कोप.
लुक फॉर द बंडल शीट अराउंड द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अराउंड आपको बंडल शीट सेल्स को देखना है। अगर वो इस तरीके से अरेंज है तो फिर आप समझ जाओगे कि वो क्या है, C4 प्लांट है। अगर उस तरीके से गोल तरीके से क्रेंज तरीके से अरेंज नहीं है तो इट इज कॉल्ड C3 प्लांट। प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीट्स वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। तो प्रेजेंस जो है बंडल शीट सेल्स की किस तरीके से है उसी पर डिपेंड करता है वो C4 प्लांट है या C3 प्लांट है। ओके ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब आगे हमें एक पाथवे देखना है। नाउ स्टडी द, ये हमने स्ट्रक्चर देखा। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर 11.9। दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैक पाथवे, इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे ये है, इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है ठीक है, जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म होती है। तो इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई चीज रीजनरेट होगी ठीक है। तो लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स। अब देखते हैं कि कैसे ये मतलब क्या होता है इसमें, है ना। देखो द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, रुको रुको यार ऐसे थोड़ा ना बताऊंगा। देखो हैच एंड स्लैक पाथवे है ये, इसमें दो सेल्स में हम कंसीडर करेंगे। एक हमारा मेसोफिल सेल्स जो सबसे बाहर की तरफ है और उसके अंदर क्या है बंडल शीट सेल्स और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल है ठीक है ना। सबसे अंदर वेस्कुलर बंडल है, फिर बंडल शीट सेल्स हैं, फिर बंडल शीट सेल्स के बाद क्या है बाहर मेसोफिल सेल्स है ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले ये नहीं नहीं ये हो गया, रुको पहले बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स में ये साइकिल होती है, ये हमें बस ये अब यही समझना है। अब हम लाइन पे चलते हैं पहले अपनी एनसीईआरटी की। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब यहां पे CO2 आएगी, ऑब्वियसली CO2 आएगी है ना, तो CO2 का फिक्सेशन होगा जैसे हमने पहले भी पढ़ा था है ना। तो CO2 का यहां पे क्या होगा, फिक्सेशन होगा। अब बात समझो, आप केल्विन साइकिल में हमने एक चीज पढ़ी थी कि केल्विन साइकिल में सबसे पहले CO2 को कौन लेता है, RuBP। केल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RuBP, राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट ना, ये पढ़ा था हमने ठीक है। बट यहां पे जो फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो यहां पे RuBP नहीं है, वो यहां पे क्या है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जिसे PEP भी बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स, और ये कहां पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज और PEPKase भी बोलते हैं इसे। तो यहां पे क्या होता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है मतलब CO2 को फिक्स कराने में, CO2 PEP के साथ जुड़ेगा और इस रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, PEP कार्बोक्सिलेज ठीक है। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम, इंपॉर्टेंट है मैंने अभी भी बता दिया था। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर आपको रुबिस्को नहीं मिलेगा, रुबिस्को एंजाइम नहीं मिलेगा ठीक है। यहां पे कौन सा एंजाइम मिलेगा, PEP कार्बोक्सिलेज मिलेगा। तो C4 एसिड OAA इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। तो ये हमने पढ़ा भी है कि C4 एसिड जो होता है, C4 प्लांट में जो बनता है C4 एसिड, वो क्या रहता है, OAA रहता है, फॉस्फोइनॉल सॉरी OAA ऑक्सलो एसिटिक एसिड रहता है। अभी रुको यार मैंने शायद कंफ्यूज कर दिया है, एक बार बात समझो ठीक है। शुरू से हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे में दो सेल लेते हैं हम, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। अभी हम फोकस कर रहे हैं मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन लेगा, उसको लेगा सबसे पहले पीईपी, पीईपी इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ठीक है। और इसी स्टेप को अगर हम कंपेयर करें कि इसमें केल्विन साइकिल में, तो केल्विन साइकिल में एटमॉस्फेयर से CO2 आती है, उसको सबसे पहले कौन लेता है, RuBP लेता है। तो ये डिफरेंस हो गया इन C3 और C4 पाथवे में ठीक है, क्योंकि केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी बोलते हैं। ये हो गया। अब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा हमारा फिक्सेशन के बाद क्या बनेगा, ऑक्सलो एसिडिक एसिड जो कि फोर कार्बन वाला एसिड है ठीक है, और ये मेसोफिल सेल्स में होगा। अब इट देन फॉर्म द, अच्छा रुको अब हम आ जाते हैं डायग्राम पे ठीक है। अब हम डायग्राम से ही सारा सब कुछ समझेंगे और फिर पढ़ेंगे।
आसान हो जाएगा ना अपने लिए। देखो ये है एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आई अंदर मेसोफिल सेल्स में, ये बाइकार्बोनेट में चेंज हुई, ठीक है। फिर ये किससे जुड़ी, ये जुड़ी PEP से, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से, ठीक है। यहाँ पे वो एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, फिर इसके बाद फिक्सेशन हो जाएगा, CO2 का फिक्सेशन होकर सबसे पहले क्या बनेगा, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या है 4 कार्बन वाला क्या है कंपाउंड है, ठीक है। और ये कितना था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन वाला था, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला हो गया, एक कार्बन इधर से आ गया, तो ये 4 कार्बन वाला क्या बन गया, ऑक्सलो एसिटिक एसिड यहां पे बन गया OAA। अब ऑक्सलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, जो कि C4 वाला ही है, C4 एसिड है ये। अब क्या होगा, ये बन गया मैलिक एसिड यहां पे मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल से होते हुए ये कहां चले जाएगा, बंडल शीट सेल्स में थ्रू प्लाज्मो डेस्माटा। अब बट इस प्लाज्मो डेस्माटा, वैसे यहां पे ये है नहीं लेबल बताना, बट प्लाज्मो डेस्माटा एक कनेक्शन होता है दो प्लांट सेल्स के बीच में, दो प्लांट सेल्स रहते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है फिक्स हो जाती है आपस में, और वो वहां पे बीच में गैप बना देते हैं, तो उसे प्लाज्मो डेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे क्या हुआ, मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होके यहां नीचे आ गया बंडल शीट सेल्स में। अब ये मैलिक एसिड है, ठीक है, ये मैलिक एसिड अंदर आया, यहां पे होगा डीकार्बोक्सिलेशन, मैलिक एसिड से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, मतलब एक कार्बन जो है वो निकल गया। और ये देखो कहां जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रहा है, ये जा रहा है केल्विन साइकिल में, जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, जिसे C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहां चले गया। अब बात समझो, इधर है मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में केल्विन साइकिल नहीं होता, बंडल शीट सेल्स में केल्विन साइकिल होता है, क्योंकि केल्विन साइकिल करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रुबिस्को। तो यहां पे रुबिस्को नहीं है, रुबिस्को नहीं है तो केल्विन साइकिल भी यहां पे नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। यहां पे कौन सा एंजाइम है, पीईपी केस है, ठीक है, पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है वो एंजाइम यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंस। और नीचे उल्टा है इसका, नीचे रुबिस्को है, रुबिस्को है तो यहां पे केल्विन साइकिल होगा, ठीक है, और पीईपी केस यहां पे नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये वाज C4 मैलिक एसिड जो है ये नीचे आया, इसमें से एक CO2 निकल गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो एक कार्बन निकल गया, और ये CO2 किस में चली गई, केल्विन साइकिल में चली गई। केल्विन साइकिल में क्या बनेगा यहां पे, फिर ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, केल्विन साइकिल सब में कॉमन है, सारे प्लांट में होता है केल्विन साइकिल, क्योंकि ग्लूकोज बनाना है ना, ठीक है। उसके बाद ये C4 वाला एसिड था ना, इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा तो ये C3 एसिड हो जाएगा, जिसे बोलेंगे पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। ये ट्रांसपोर्ट होकर अब ऊपर जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ये ऊपर गया, पाइरुवेट यहां आ गया, और पाइरुवेट फिर रीजनरेट हो जाता है किसमें, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। तो ये रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन के बाद फिर साइकिल जो है ऐसे ही चलेगी। तो ये था हमारा क्या, हैचेन स्लैग पाथवे, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो इसको अगर आपको देखना है तो एक बार फिर पीछे करके देख लेना आप, है ना, क्योंकि वीडियो यार बड़ी बन जाती है फिर ज्यादा, तो इसको आप देख लेते हैं। इट इज देन फॉर्म अनदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड। तो पहले OAA बनेगा, OAA से क्या बनता है, ये बन गया OAA से मैलिक एसिड यहां पे बन गया, या एस्पार्टिक एसिड इन द मीजोफिल सेल्स, ठीक है। क्या हो रहा, एक मिनट है, यार ये इसकी वायर ना ढीली हो रही है, हाँ ठीक है। और एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल्स इटसेल्फ विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल्स, ये बंडल शीट सेल्स में देखो नीचे चले जाएगा, जा रहा है ना। इन बंडल शीट सेल्स दीज C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, वो पाइरुवेट है, वो बन जाएगा। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल्स। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड जो पाइरुवेट है ये किधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वापस
ऊपर उसमें अपना क्या नाम है, मीजोफिल सेल्स में ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पीईपी अगेन, और ये फिर पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे रीजनरेशन बोलेंगे, दस कंप्लीटिंग द साइकिल. द सीओ टू रिलीज इन द बंडल शीट सेल्स एंटर द सी थ्री और द केल्विन पाथवे. तो ये सीओ टू रिलीज हुआ था बंडल शीट सेल्स में, ये किस में चले जाएगा, ये चले जाएगा हमारा, ये चले जाएगा हमारा केल्विन साइकिल में, ठीक है. अ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी थ्री पाथवे या केल्विन पाथवे सब में कॉमन है. द बंडल शीट सेल्स आर, द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन द एंजाइम राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को बट लैक पीईपी. ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे, यहाँ पे पीईपी नहीं है बट रूबिस्को है, ठीक है. दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर द केल्विन पाथवे इज कॉमन टू सी थ्री एंड सी फोर प्लांट. पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, चाहे वो सी थ्री प्लांट हो चाहे वो सी फोर प्लांट हो, उनमें केल्विन पाथवे जिसको सी थ्री पाथवे भी बोलते हैं वो होगा ही होगा, क्योंकि खाना तो बनाना है ना, शुगर तो बनानी ही है, ठीक है. डिड यू नोट दैट केल्विन पाथवे अकर इन ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ द सी थ्री प्लांट. इन द सी थ्री प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स. उसी क्वेश्चन का आंसर यहां पे दे दिया. सी फोर प्लांट्स में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है केल्विन पाथवे, बट डज सो ओनली इन द बंडल शीट सेल्स, ठीक है. बंडल शीट सेल्स में ही केल्विन पाथवे होगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या है, ये रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, और मेसोफिल सेल्स में केल्विन साइकिल नहीं होगा क्योंकि यहां पे रूबिस्को प्रेजेंट नहीं है. तो ये था हमारा क्या, हैच एंड स्लैक पाथवे, यहां पे लिखा भी है हैच एंड स्लैक पाथवे. तो वीडियो अपना खत्म होता है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना. देखो यार, बहुत सारे लोग जो है, मैं जब डाटा देख रहा था इसमें अपना यूट्यूब का, तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि, पता है आपको, मतलब लाइक 70% जो व्यूअर्स है ना, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को. तो यार अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको इससे अगर वैल्यू मिलती है, आपको कुछ समझ में आता है इस वीडियो से, या आपको मदद मिलती है बेसिकली, मैं सबको मिला के बोलूँ तो, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है. ये मुझे जो है आपकी तरफ से चाहिए होगा, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर.